हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे द बॉयज सीजन 1 के बारे में। अब यार इसका रिव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी दो दिन बाद यानी कि सितंबर 4 का इसका सीजन 2 आने वाला है। तो अगर आप लोग उन लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक के बॉयज सीजन 1 को नहीं चेकआउट किया, तो यार इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के अंदर इतनी एक्साइटमेंट भर दूंगा कि आप लोग जरूर देखोगे। खैर बात करेंगे सीजन 1 की, जिसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे के हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि ये सीरीज आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलती है, ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। और यही एक रीजन है जिस वजह से हमारे इंडिया की जो मैक्सिमम ऑडियंस है, जिन लोगों ने अब तक इस अंडररेटेड सीरीज को नहीं देखा है। लेकिन मैं आपको इतना ही बता दूं कि अगर आप लोग सुपर हीरोज के जॉनर वाली मूवीज या सीरीज देखना पसंद करते हो तो ये बिल्कुल आप लोग के लिए। खैर बात करेंगे सीरीज के प्लॉट की, तो कहानी शुरू होती है फूट इंटरनेशनल, ये एक ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी है जिसे चला रही है मेडलिन। अब बेसिकली इस कंपनी का काम यह है कि जितने भी सुपर हीरोज हैं उन लोगों को ये लोग मैनेज करते हैं, उन लोगों को पब्लिसिटी दिलाते हैं और उन लोगों से अलग अलग मिशंस भी करवाते हैं, और इन सबके बदले उन सुपर हीरोज को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी सुपर हीरोज आपको देखने को मिलेंगे वो एक नंबर के करप्ट है, इगोइस्टिक है, और वो लोग पब्लिसिटी और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक कॉमन मैन जिसका नाम है ह्यूई, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद वो सुपर हीरोज के खिलाफ हो जाता है। और उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो देखिए सुपर हीरोज का नाम सुनते ही आपके जहन में आता है कि इनके पास अलग अलग पावर्स होगी, ये हमारी दुनिया को बचाते, हमारी दुनिया में रहने वाले लोगों को बचाते बुरे विलन से। लेकिन क्या होगा अगर हमारी इस दुनिया में सुपर हीरोज एग्जिस्ट करने लगे और उनके पास इसी तरीके की पावर्स हो, लेकिन वो लोग इस पावर्स का अच्छा नहीं बल्कि बुरा इस्तेमाल करें, और इनसे लड़ने के लिए दुनिया में कोई विलन है ही नहीं बल्कि यही लोग हमारी दुनिया के सबसे बड़े विलन हो, और ये लोग अपनी मर्जी से इंसानों को बचाएंगे भी और अपनी मर्जी से इन लोगों को मारेंगे भी। और हद तो तब हो जाती जब वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो इन सुपर हीरोज को अपना गॉड मानने लगते और इनके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसे में सिम्बा द बॉयज जैसे मेंबर्स भी, जो लोग जानते हैं कि ये हाथी के दांत है यानी कि दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ऐसे में वो लोग इनकी सच्चाई सामने कैसे लेके आएंगे और अगर इनसे जब सामना हो जाए तो ये लोग किस तरह से लड़ेंगे, वो सब कुछ इस सीरीज में देखने लगे। हालांकि ये स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, लेकिन एक चीज मैं बता दूं वो ये कि जब ये लोगों की भिड़ंत होती है सुपर हीरोज से, तो वो किस आइडिया से उनसे लड़ते बिना किसी पावर के, वो यार इस शो की हाईलाइट है। सच बता रहा हूँ हाईलाइट है। जब आप लोग इस शो को देखोगे ना तो कुछ कुछ ऐसे सीन है जहां पर आप लोग खुद शॉक में जाओगे, और एक एक सीन ऐसा भी जहां पर होमलैंडर खुद इस चीज को एडमिट भी करता है कि ये लोग कोई पागल नहीं बल्कि ये लोग स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट। उसके अलावा भी इस सीरीज में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिल जाएगी जो आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे और आप लोग की सोच पूरी तरह से बदल जाएगी इस सीरीज को देखने के बाद। अब बात करेंगे शो में कैरेक्टर्स डेवलपमेंट की, तो देखिए यहाँ पर आपको दो अलग अलग ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। पहले तो सुपर हीरोज वाले जिसका नाम है द सेवन, और दूसरे द बॉयज। तो यहाँ पर जो 7 सुपर हीरोज थे तो उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से डेवलप किया, लेकिन जो कुछ सुपर हीरो जैसे कि ब्लैक नोर, उसका काम यहाँ पर बहुत ही ना के बराबर है। और ट्रांसुलेंट की बात करेंगे तो उसका जितना भी रोल है वो एक इम्पोर्टेंट रोल और इस सीरीज का टर्निंग पॉइंट भी आप लोग कह सकते हो। उसके अलावा जो दूसरे कैरेक्टर्स है उनको अच्छी तरह से डेवलप किया है, उनके आपको अलग अलग शेड्स देखने को मिलेंगे इस पूरे सीरीज में, तो आपको पूरी तरह से इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। उसके अलावा जो बॉयज है उसमें आपको टोटल 5 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक लड़की है, लेकिन जो बाकी के 4 लोग है उनके कैरेक्टर को भी यहाँ पर अच्छी तरह से लिखा गया। और जो उसमें से 2 मेन कैरेक्टर है, एक तो बिली बूचर और दूसरा ह्यूई, उन दोनों को यहाँ पर अच्छी तरह से डेवलप किया, और साथ साथ उनसे रिलेटेड हमें काफी कुछ चीजें इस सीरीज में पता चल जाती है जिससे आप उनसे इजीली कनेक्ट हो जाते हो। अब बात करेंगे शो के सिनेमेटोग्राफी की, तो देखिए ये एक डार्क शो है, तो काफी कुछ सीन्स आपको यहाँ पर अंधेरे में या मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है ना, वो मतलब आपके होश उड़ा देगा। और बहुत सारे ऐसे वॉयलेंस के सीन्स है जहां पर आपको इतना ब्लडशेड देखने को मिलेगा जो मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। उसके अलावा इस शो में ज्यादा VFX का यूज नहीं किया, लेकिन जहां पर भी है वो देखकर अच्छा लगता है। अब बात करेंगे शो की BGM की, तो यहाँ पर एक चीज कहना पड़ेगा, वो ये है कि जब जब हमें बॉयज के सीन्स देखने को मिलते हैं तो वहां पर जो एक BGM बजता है ना वो एक अलग थ्रिल आपके बॉडी में लेके आता है। बात करेंगे अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मुझे सबका काम बहुत अच्छा लगा। किसी एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं नाम लूंगा एंटोनी स्टार का, जिसने यहाँ पर होमलैंडर का कैरेक्टर प्ले किया। हालांकि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन जिस तरह से उस एक्टर ने इस रोल को प्ले किया ना, आप पूरी तरह से बस उसी को देखते हो। और मुझे पर्सनली जब कोई एक्टर नेगेटिव रोल प्ले करता ना, तो आपको फील आना चाहिए उसको देखकर कि हाँ वाकई में ये विलन है। वरना कभी कभी हम लोग किसी मूवीज में या सीरीज में किसी विलन को देखते तो आपको हंसी आती है, जैसे कि अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द ओल्ड गार्ड, तो उसमें जो विलन था ना वो विलन कम कॉमेडियन ज्यादा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जब आप एंटोनी स्टार को देखते हो तो वो वाकई में फील आती है या ये बहुत ही नेगेटिव या बहुत ही बुरा आदमी है, और इससे जो लोग पूरी सीरीज में डर रहे ना वो
एक वजह है डरने की, तो वो आप इस एक्टर को देखकर आपको साफ समझ में आता है जिसने शिद्दत से उसने इसको प्ले किया है। उसके अलावा कार्ल अर्बन जिसने यहाँ पर बिली बुचर का रोल प्ले किया, बहुत ही फैंटेस्टिक काम किया। उसके अलावा इस सीरीज में आपको काफी चीजें मिक्स देखने को मिलेगी, यानी कि आपको ब्लैक कॉमेडी देखने को मिलेगी, थ्रिल देखने को मिलेगा, एक्शन देखने को मिलेगा, वॉयलेंस देखने को मिलेगा, न्यूडिटी देखने को मिलेगी, यानी कि ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस शो के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। ये है कि 8 एपिसोड है एक एक घंटे के, लेकिन हर एक एपिसोड में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आपको बहुत ज्यादा बोर फील होता है। उसके अलावा जो इस सीरीज की दूसरी नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिक सीन है जो आप लोग थोड़ा भगा के देखोगे, यानी कि लंबे लंबे डायलॉग से, लंबे लंबे सीन से, और चीजों को वो लोग बहुत ही स्लोली स्लोली आगे बढ़ाते, तो इस वजह से ना एज इंडियन ऑडियंस आपका इंटरेस्ट बहुत हद तक गिरता है वहां पर। इसके अलावा जो तीसरे नेगेटिव पॉइंट वो है एपिसोड्स की लेंथ। मेरे हिसाब से शो के एपिसोड्स की लेंथ 45 मिनट की होती तो वो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि हालांकि मैं मानता हूं कि 8 एपिसोड है, लेकिन फिर भी वो एक एक घंटा बहुत ज्यादा होता है यार, और एक दिन में इस शो को कंप्लीट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये शो आपको खत्म करने में 3 दिन लग सकते हैं, 2 या 3 दिन। बात करेंगे पेरेंटल गाइडेंस की, तो ये शो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, ना ही ये बच्चों के साथ देख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ वॉयलेंस के सीन देखने को मिलेंगे, और न्यूडिटी सीन्स इतने नहीं मुझे लगे पर्सनली है, मगर वो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतने ज्यादा नहीं लगे। हाँ, लेकिन वॉयलेंस के सीन्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओवरऑल मैं शो को रेटिंग दूंगा 4 out of 5। मेरे हिसाब से तो ये एक मस्ट वॉच शो है अगर आप लोग देखना चाहो तो। वैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर आप लोगों ने सीरीज को ऑलरेडी देख चुके हो तो सुपर हीरोज या तो फिर द बॉयज, इन लोगों में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और क्यों, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फाइनली तो मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तिल दें दुआ में याद रखना।